धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक पूर्ण फकीर अपनी कुटिया में रहा करते थे, उनका एक शिष्य भी वहीं उनके पास कई सालों से रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह फकीर अक्सर ही जीवों को समझाते हुए कहते कि पारस के साथ लगकर लोहा भी सोना बन जाता है। इस तरह अच्छे नेक कर्म करने तथा मुर्शिद के कहे अनुसार चलने वाले जीव के ऊपर अपार रहमतें बरसती हैं। एक दिन शिष्य के मन में आया कि मैं इतने वर्षों से गुरुजी के पास रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ खास प्राप्त नहीं हुआ। जैसा पहले दिन यहाँ आया था वैसा ही अब हूँ, क्यों ना गुरुजी से आज्ञा लेकर गांव चला जाऊं। बहुत सेवा और भक्ति हो गई है। यह सोचकर उसने गुरुजी से आज्ञा मांगी। फकीर यह सुनकर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर कहा, ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। अगर तू जाना चाहता है तो जा, परंतु हमारा प्यार हमेशा तेरे साथ है। वही प्रेम जिसे शिष्य चाहे भूल जाए, परंतु पूर्ण मुर्शिद अपने शिष्य को किसी समय बख्शे गए प्रेम को कभी भी उससे अलग नहीं करते। शायर ने कहा है, तुम भुला दो हमारी यादों को, हम तो दिल से जुदा नहीं करते। फकीर ने कहा, भाई राह में तुझे अगर कोई अजीब क्रिया होती दिखे तो हमें एक बार आकर जरूर बताना। शिष्य ने कहा, ठीक है जी। वह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। चार पांच घंटों के पैदल सफर के बाद वह कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। उसको लेटे अभी कुछ समय ही हुआ था कि पेड़ की एक टहनी पर एक कौवा आकर बैठ गया। शिष्य को नींद आ रही थी, पर उसी समय कौवे ने काऊ काऊ का शोर करना शुरू कर दिया। शिष्य की आंख खुली और उसने ऊपर की तरफ नजर करके कौवे को देखा तो कुदरती उसी समय कौवा नीचे आ गिरा। शिष्य बड़ा हैरान हुआ। उसने कौवे को उठाकर देखा तो वह मर चुका था। शिष्य सोच में पड़ गया। वह वापस अपने गुरुजी की तरफ चल पड़ा और
पहुंच कर सारी कहानी सुनाई। गुरु जी तो पूर्ण फकीर थे और सब जानते थे। मुस्कुरा कर कहने लगे, ठीक है भाई, जो होना था हो गया, अब तो दिन छिपने वाला है, कल को चले जाना। शिष्य ने कहा, ठीक है जी। अगले दिन उस शिष्य ने अपने गांव की राह ली। कुछ सफर करके वह आराम करने के लिए फिर वहीं कल वाले पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। कुछ समय आराम करने के बाद मनोवैज्ञानिक तौर पर ही उसकी नजर उसी टहनी पर चली गई। अब उस टहनी पर एक बहुत ही सुंदर हंस बैठा कलोले कर रहा था, पर अचानक वह भी नीचे आ गिरा। शिष्य ने उसे उठाकर देखा तो वह भी मर चुका था। शिष्य को बड़ी हैरानी और दुख भी हुआ कि मैं इतने बुरे कर्मों वाला हूं कि टहनी पर बैठे जिस पक्षी पर मेरी नजर जाती है वही मर जाता है। भगवान ने मुझे संतों के पास इतने साल रहने का यही फल दिया है, लेकिन वह उसी समय वापस संतों की तरफ चल पड़ा, जाकर सारी बात बताई। संत इस बार भी मुस्कुरा पड़े और वचन किया, कोई बात नहीं बेटा, तू अब थक गया होगा, आराम कर ले। अगले दिन फकीर ने उसे कहा, भाई अपने देश के राजा के घर कई वर्षों के बाद राजकुमार पैदा हुआ है, तू उस नन्हे बच्चे के साथ कोई बातचीत करके आ। शिष्य ने सोचा कि गुरुजी मेरे से नाराज हैं और मुझे मरवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कौए को देखा वह मर गया, हंस को देखा तो वह भी मर गया, अगर बादशाह का बेटा मेरे देखने से मर गया तो मेरे बचने की कहां जगह है। फकीर समझ गया कि शिष्य क्या सोच रहा है। उन्होंने कहा, भाई तू डर ना, हम तुझे जो कह रहे हैं तुझे कोई नहीं रोकेगा, तू जा, दुविधा में पड़े। शिष्य ने राजा के महलों की तरफ मुंह किया और चल पड़ा। सब खेल पूर्ण फकीर की रजा में था। महलों की तरफ जाते शिष्य को किसी पहरेदार ने नहीं रोका। आगे पहुंचकर राजा से मुलाकात हुई। शिष्य ने बताया कि मैं अमुक फकीर का शिष्य हूं। इतना सुनकर राजा ने शिष्य का बहुत इज्जत सत्कार किया। फिर शिष्य ने कहा
कि मुझे मेरे सतगुरु ने आपके नवजात बेटे से कोई बातचीत करके आने के लिए कहा है। राजा ने कहा कि ठीक है, आप जरूर बातचीत करो। बच्चा सामने पालने में लेटा है। जब शिष्य ने बच्चे के पास जाकर उसकी तरफ एक टक देखा तो सोए पड़े बच्चे ने एकदम आंखें खोली। जैसे वह शिष्य का ही इंतजार कर रहा था, बच्चा शिष्य को देखकर ऊंची ऊंची हंसने लगा। शिष्य उस नन्हे बालक को इस तरह हंसता देखकर हैरान हो गया, पर उससे भी ज्यादा तब हैरान हुआ जब बच्चा बोलने लगा। उसने कहा, आ गए पूर्ण गुरु का शिष्य, तू क्या सोचता था कि तू इतने साल संतों के पास रहा और तुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तू बहुत बड़े भुलेखे में फिर रहा है। मैं पहले एक कौए की जूनी में था, तेरी नजर मेरे पर पड़ी तो मुझे कौए की जूनी से मुक्ति मिली। फिर मैं उससे बढ़िया जूनी में आया, हंस बन गया। फिर तेरी दृष्टि मेरे पर पड़ी तो मैंने उस जूनी से भी निजात हासिल की और सीधा राजा के घर राजकुमार के रूप में जन्म लिया है, सिर्फ और सिर्फ तेरे देखने से ही। सिर्फ तेरे देखने मात्र से ही मैं कहां से आज कहां पहुंच गया हूं। तू धन्य है और तेरा मुर्शिदे कामल भी, जिसकी दया मेहर से तेरी दृष्टि में ऐसी उच्चता भरपूर रूहानी ऊर्जा है। सिर्फ तेरे देखने से मैं यहां तक पहुंच गया हूं, तो अगर तेरा मुर्शिदे कामल मेरे ऊपर एक पल के लिए भी दृष्टि डाल दे तो पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं। तू इतने साल उनके पास रह कर भी यह सोचता है कि तुझे क्या मिला। बच्चे की उपरोक्त बात सुनकर शिष्य शर्म से पानी पानी हो गया। वह वहां से सीधा अपने सतगुरु के पास पहुंचा, आंखें बिना रुके आंसू बहा रही थी, सिर को चरणों से ऊपर उठाने की शरीर में हिम्मत ही नहीं रही थी। परंतु पूर्ण फकीर तो सब जानते ही हैं, वह सबके पर्दे ढकता है, रहम दिल होता है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया सो हो गया, आगे से मन से सावधान रहना। बस फिर क्या था आंसुओं से
पक्की यारी गांठ ली और हर समय गुरु गुरु करने की आदत डाल ली। मुर्शद में से सब कुछ ही नजर आया तथा बाकी सब भूल गया। किसी शायर ने लिखा है, जब रुखे पर नूर का जलवा नजर आया, काबा ना नजर आया, कलीसा ना नजर आया, परंतु जो कुछ महसूस करके भी ना समझे तो उसके बारे में क्या कहा जाए। क्योंकि सतगुरु को मानने वालों में से बहुत से मुरीद ऐसी ही प्रवृत्ति के ही होते हैं। सतगुरु ऐसे परवानों को अंदरूनी संवेदनशीलता बख्शे। बाहर एक सीमित स्तर की दुनिया और अंदरले अथाह संसार के बीच अंतर के बारे यह बाहरी दुनिया रूहानियत के समुद्र में एक बाल के समान है। अपने शहंशाह जी के पवित्र मुखारविंद में से सुना होने के बाद भी साधक पुरुष का मन पदार्थवाद की तरफ भागता है। यह बेचैनी भरा मन कई बार इंसान के अंदर इस कदर बेचैनी भर देता है कि साधक अपनी रूहानी ऊर्जा को मन के कहे लग कर मुर्शद के प्यार को भी एक सूक्ष्म और शीत युद्ध की तरह लगाने लग जाता है। अगर चंदन के वृक्ष के पास होने कारण अरंड का पेड़ भी खुशबूदार हो सकता है तो पूर्ण फकीर की निरंतर सोहबत का असर उसके भक्त पर क्यों नहीं पड़ेगा? जरूर ही पड़ेगा। पर जैसे के ऊपर बताया गया है कि अंदर में फिट यह बेचैनी भरा मन सब कुछ जल्दी से जल्दी होना ढूंढता है, ऐसा होना इंसान के अंदर पूर्ण तौर पर पाक साफ और खाली बर्तन के सिवा असंभव है। बर्तन अगर खाली होगा तो ही तो उसमें रूहानी ऊर्जा के अंश एक निरंतर चाल में गिरेंगे। साधक पुरुष के संचित कर्मों को साफ करने के बाद बचती ऊर्जा थोड़ी थोड़ी करके जब उसके अंदरूनी बर्तन में जमा होती जाएगी तो ही एक ना एक दिन वह बर्तन पूरा किनारों तक भरेगा और फिर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकेगा। बेशक पूर्ण सतगुरु की अपनी भी एक विशेष रहमत सदा उसके साथ साथ होती हुई उसकी मदद करती रहती है, पर सतगुरु पूर्ण तौर पर सच होते हुए कोई ऐसा चमत्कार ऐसे ही उसको नहीं दिखाता जो इंसान को सदा अस्थिर स्थिति में रहने वाले मन की
उपज के अनुकूल हो। पूर्ण फकीर अपने मुरीद को पदार्थवाद की दौड़ से दूर ले जाकर उसको परम पद की तरफ ले जाना चाहता है, परंतु कई बार साधक पुरुष परम पद की तरफ तो जाना चाहता है, परंतु साथ ही किसी समय शब्द के सुमरण में समय की कमी आ जाने के कारण कुछ पदार्थवादी चेतना उसमें उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी चेतना उसको मंजिल तक ले जाने वाले समय को बढ़ाने का कारण बनती है। टूटी हुई मौके पर बांधने का प्रावधान भी रूहानियत के इस सफर में शामिल है। वह इस तरह के रोजाना 2 घंटे सुमरन करने वाले शिष्य से अगर एक दिन सुमरन नहीं हुआ, मतलब के सुमरन टूट गया, तो जरूरी है अगले दिन कम से कम 4 घंटे तो भजन सुमरन में वह जरूर ही लगाए। अगर अपनी तरफ से सुमरन करना छूट जाने की गलती पर अफसोस जाहिर करना है तो यह भी जरूरी है कि उस समय से आधा समय और दे ही दिया जाए। तो यह एक बढ़िया और लाभदायक क्रिया होगी, मतलब के 5 घंटे का समय देना चाहिए। लेकिन क्या भक्ति करना ही काम है और कोई काम नहीं? केवल भक्त बनकर ही बैठ जाएं? नहीं जी, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा कि आप ऐसा ही करो, परंतु एक साधक जो एक अहम और सबसे विशेष मंजिल की तरफ जाने का चाहवान है, उसके लिए रोज का 2 घंटे सुमरन और छूट जाने से अगले दिन का 5 घंटे सुमरन में लगाना कोई ज्यादा नहीं। बाकी करने वाले तो रोज के 8-8, 9-9 घंटे भी सुमरन करते हैं और बाहर किसी के आगे कभी भी जाहर तक नहीं करते। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।